हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे एफ ए ओ के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के बारे में। याद रखिए, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर ख़त्म होते जा रहे हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या महत्वपूर्ण संगठनों के सूची में डले हुए हैं, ठीक है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति तथा समाज विज्ञान के माध्यम से दुनिया में शांति बनाए रखना, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1945 को हुई और भारत इसका सदस्य बना 1946 में, ठीक है। याद रखिए, इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है, और इसमें अब 193 देश बचे हुए हैं, पहले 195 थे, जिनमें अमेरिका और इजराइल सदस्यता त्याग चुके हैं, ठीक है। और इसके 11 सहयोगी देश हैं, ठीक है। कितने? 193 देश बचे इन दोनों के हटने के बाद, और 11 सहयोगी देश हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 37 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति के प्रयास के लिए इसकी स्थापना की थी। इसके महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, ठीक है। इसका उद्देश्य देख ही चुके, शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके कार्य क्षेत्रों की बात करें, शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना एवं संचार, सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के लिए वैश्विक विरासत कार्यक्रम। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, विश्व विरासत स्थल? 30 हैं सांस्कृतिक और 7 हैं प्राकृतिक, 1 है मिश्रित, कंचनजंगा है राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित में। तो इस प्रकार अपने यहाँ हो गए 38, ठीक है। विश्व विरासत स्थल भारत में 38 हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में जयपुर को मिला है अभी। वैश्विक प्राथमिकता की बात करें तो अफ्रीका और लिंग समानता इसकी वैश्विक प्राथमिकता में शामिल है। प्राथमिक समूहों की बात करें तो स्थानीय लोग, युवा, छोटे द्वीप, विकासशील देश और अल्पविकसित देश इसके मुख्य समूह हैं, प्राथमिक समूह में, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक।